महिला T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की नजदीकी हार, उससे कोई अभी तक उबर नहीं पाया है। मैच के बाद कप्तान हरमनप्रीत भी बहुत भावुक दिखी, बल्कि उनकी भावनाएं उनके आउट होने के बाद से ही आप देख सकते हैं। क्या हुआ जब वो अंजुम चोपड़ा से मिली, जो कि पूर्व खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम की रह चुकी हैं, एक्स प्लेयर, जब उनसे मिली हरमनप्रीत कौर तो क्या हुआ, ये बताऊंगा। पहले ये बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 5 रनों से पराजित किया। बहुत ही क्लोज मैच था ये, बहुत कांटे का मुकाबला था, बराबरी का मुकाबला था, बल्कि यूं कहूं कि दूसरी पारी के 15 ओवर तक ये मुकाबला बराबरी का भी नहीं था। भारतीय टीम का पलड़ा इस मैच में भारी था, लेकिन वहीं पर कप्तान जो हरमनप्रीत रनआउट होती हैं, उसके बाद से मैच पूरा का पूरा बदल जाता है और वही मैच का टर्निंग पॉइंट था। और जिस तरह से हरमनप्रीत रनआउट होती हैं, उससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है, और यह बातें हरमनप्रीत ने प्रेजेंटेशन में कही भी। तो जैसे ही जो पूरे मैच में हरमनप्रीत का आप चेहरा देखिए, तो वो आपको भाव शून्य दिखेगा। एक कप्तान के तौर पर वो अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाती, उनकी खिलाड़ी भी जब मिसफील्ड करती हैं तो बड़ी ही खामोशी से बस वो एक लुक देकर रुक जाती हैं। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन आउट होने के बाद वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रख सकी और वो उजागर होने लगी उनके आउट होते ही। देखिए, भारतीय टीम निश्चित जीत की ओर बढ़ रही थी और सेमीफाइनल का जो मुकाबला था, आपको यह भी बता दूं कि सेमीफाइनल मुकाबले से एक दिन पहले यानी बुधवार को हरमनप्रीत की तबीयत इतनी खराब थी कि उन्हें हॉस्पिटलाइज तक करना पड़ा था और देर रात जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी। तो उनके पास एक ऑप्शन था कि वो सेमीफाइनल के मैच से अपने को विड्रॉ कर लें, उसमें न खेलने का फैसला लें, लेकिन वो एक फाइटर है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो खेली और क्या कमाल खेली। जो उनकी पारी थी 34 गेंदों पर 52 रन उन्होंने बनाए, लेकिन जिस तरह से वो रनआउट हुई, जो दूसरा रन ले रही थी और उनका बल्ला जो है वो टर्फ में फंस जाता है, पिच पर फंस जाता है, तो अब लगता है जैसे कि वो नियति चाहती थी कि भारतीय टीम ये मैच हार जाए। नहीं तो ऐसा होता नहीं है, बल्ला जब आप जमीन पर पिच पर लेकर जाते हैं तो वो ड्रैग होकर आगे की ओर जाता है, लेकिन उनका बल्ला वहां पर रुक गया और इसकी वजह से वो बल्ला वहीं पर था और उनका पैर आगे गया और वो पैर हवा में था और हिली ने विकेट की गिल्लियां बिखेर दी और भारतीय टीम के लिए वो इतना बड़ा आघात था, इतना बड़ा झटका था कि उसकी वजह से भारतीय टीम मैच हार जाती। अंतिम 30 गेंदों पर 39 रन, मतलब समझिए 5 ओवर में 39 रन, 5 विकेट बचे हुए हैं। हर टीम सोचता है कि भारतीय टीम जीत सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका एहसास हरमनप्रीत को था कि यह कितनी बड़ी गलती हो गई है। तभी जब आप देखेंगे कि जब वो आउट होकर लौट रही थी तो उनका जो गुस्सा था, आप पता नहीं ये गुस्सा उन्हें खुद पे था या किस्मत से ये गुस्सा था कि किस्मत ने धोखा दे दिया कि उनके बाएं हाथ में बल्ला था, वो उसे जोर से झटका देती हैं और बल्ला उनके हाथ से निकलकर दूर जो है फिंक जाता है, दूर जाके गिरता है। तो ये गुस्सा उनके चेहरे पे दिख रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब आगे क्या हो सकता है। ये बातें हम लगातार करते आ रहे थे, अगर आपने पिछले प्रोग्राम सुने होंगे, कि लोअर डाउन दी ऑर्डर भारत के पास उस तरह की बैटिंग नहीं है और ये बात हरमनप्रीत भी जानती थी। तो यही हुआ और जैसे ही वो हरमनप्रीत का बल्ला ऐसे जाता है, वो आउट होती हैं, पवेलियन की तरफ कैमरा जाता है, वहां स्मृति मंधाना आपको दिखेंगी और उनका हाथ इस तरह से सर पे जाता है जैसे उन्हें भी मालूम हो कि ये क्या हो गया, उनके दिल से ये आवाज जो है वो सुनाई देती है। तो यहां तक तो ठीक था। अब आप प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा कि जब प्रेजेंटेशन हो रहा था तो हरमनप्रीत चश्मा लगाकर आती हैं, वो काला गॉगल्स लगाकर आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि वो अपने चेहरे के भाव छुपाना चाहती थी, अपने आंसुओं को दिखाना नहीं चाहती थी, वो टूट चुकी थी, इमोशनल थी वो। तो यही हुआ और जब मैच के बाद उनसे पूर्व खिलाड़ी और स्टार खिलाड़ी जो रह चुकी हैं अंजुम चोपड़ा मिलती हैं, वो उन्हें कंसोल करने के लिए आती हैं, सांत्वना देने के लिए आती हैं, सहानुभूति देने के लिए आती हैं, तो उनके गले से लगकर
वो अपने आप को रोक नहीं पाती और रोने लगती हैं और खूब रोती हैं। ये दो महान खिलाड़ियों की बात है, अंजुम भी अपने समय की स्टार प्लेयर थी और बड़ी खिलाड़ी थी, और हरमनप्रीत के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उनका भारत की महिला क्रिकेट में क्या योगदान है, तो वो रोती हैं। और इस के बाद जो है अंजुम चोपड़ा ने ये बातें कही भी है, और उन्होंने कहा कि मेरा इरादा उन्हें कुछ सहानुभूति देने का था, क्योंकि मैं बाहर से यही पेशकश कर सकती हूं उनके लिए, क्योंकि इसके सिवा तो मेरे पास कुछ था नहीं। लेकिन अंजुम चोपड़ा ये भी कहती हैं कि देखिए, हमने बहुत सारे सेमीफाइनल खेले हैं विश्व कप के, लेकिन सभी हारते हैं, अक्सर हम हार जाते हैं, और ये जो है बहुत बड़ी सच्चाई है भारत की महिला क्रिकेट के साथ कि जब नाजुक मौके आते हैं तो भारतीय टीम अपना जो है वो टेम्पो बनाकर नहीं रख पाती और भारतीय टीम लूज कर जाती है। इसके कई उदाहरण हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी अंजुम चोपड़ा और हरमनप्रीत के बीच जो बातचीत हुई और जो वो भावुक क्षण आया, जो पिक अब वायरल भी हो रहे हैं, उसकी अगर मैं बात करूं तो उन्होंने, अंजुम चोपड़ा ने आईसीसी मीडिया से भी बातचीत की, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं हरमनप्रीत को मैंने चोटों के साथ खेलते देखा है। उन्होंने कहा कि जो स्थिति थी, चूंकि हरमनप्रीत एक दिन पहले काफी बीमार थी, तो बोली कि जो स्थिति थी वो ये मैच नहीं भी खेल सकती थी, लेकिन चूंकि ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था और उससे भी बड़ी बात कि वो हरमनप्रीत है, इसलिए वो खेली, और क्या खेली वो हम सबने देखा कि उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा। अब आप बदकिस्मती से लड़ नहीं सकते, वो जो किस्मत है उसकी लड़ाई में भारतीय टीम जो है वो हार गई, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। देखिये, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम में हुआ था, वहां भी फाइनल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से हारी थी और सिर्फ 9 रन से हारी थी। यहां पर आपको आखिरी 5 ओवर में 39 रन बनाने थे, 5 विकेट बाकी था, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में आखिरी 6 ओवर में जहां तक मुझे याद है 50 रन बनाने थे और 8 विकेट आपके हाथों में थे, और तब आप मैच 9 रन से हार जाते हैं, वो भी एक क्लोज डिफिट था, यही ऑस्ट्रेलिया के हाथों। तो ये चीजें जो है सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर लोअर डाउन दी ऑर्डर में कहां पर हमारी कमजोरी रह जा रही है, या जब नाजुक मौके आते हैं तो नर्व कंट्रोल में हम क्यों नहीं कर पा रहे। कॉमनवेल्थ गेम्स और ये जो सेमीफाइनल हुआ पहला, अगर आप उसकी तुलना करें तो बहुत कुछ मिलता हुआ आपको दिखेगा। और यहां पर भी आपने देखा कि 3 विकेट जो है 4 ओवर के अंदर गिर जाते हैं, और उसके बाद जेमिमा रॉड्रिगेज और हरमनप्रीत के बीच जो है वो एक लंबी साझेदारी होती है 69 रनों की, जो भारत को मैच में बहुत मजबूत स्थिति में ला देती है, और वहां से भारतीय टीम मैच हारती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी यही हुआ था, वहां पर भी 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, और फिर वहां पर हरमनप्रीत और जेमिमा रॉड्रिगेज के बीच में ही एक 96 रनों की साझेदारी हुई थी, और भारतीय टीम मजबूत स्थिति में थी, 6 ओवर में 50 रन चाहिए थे, 8 विकेट हाथ में थे, और वहां भारतीय टीम हार जाती। तो ये हार जो है बहुत सालती है, इस हार को आप देखें तो बहुत सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। जब मैंने हरमनप्रीत को रन आउट होते देखा तो मैं 2019 में चला गया वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप में, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत सेमीफाइनल खेल रहा था, वो भी सेमीफाइनल था, और तब महेंद्र सिंह धोनी रन आउट होते हैं और वो मैच भारत हार जाता है और फाइनल में नहीं जा पाता। यहां हरमनप्रीत रन आउट होती हैं और भारतीय टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता है। भारत की इस महिला टीम का हश्र वही हुआ जो भारत की पुरुष टीम का 2022 T20 वर्ल्ड कप में हुआ, वहां भी भारतीय टीम सेमीफाइनल में हारती है, और यहां भी इस महिला T20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम सेमीफाइनल में ही हारी है। तो बहुत सारी समानता दिखती है, लेकिन जो आपसे आज बात करने का मेरा इरादा था वो उस जो एक इमोशनल मोमेंट था अंजुम चोपड़ा और हरमनप्रीत के बीच में, वो बताने का था कि दोनों के बीच जो है वो दिखा एक दूसरे को सहानुभूति देते हुए। और जब कोई आपका पुराना, आपका सीनियर प्लेयर आपसे मिलता है, हरमनप्रीत अभी सीनियर है लेकिन उनकी सीनियर अंजुम चोपड़ा हुआ करती थी, तो जब आपका सीनियर आपसे मिलता है, चूंकि हरमनप्रीत तो अपनी भावनाएं हो सकता है अपने जूनियर्स के सामने प्रकट ना कर पाए, लेकिन सीनियर जब मिली तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकी और रोने लगी, उनके आंख से आंसू छलक उठे और अंजुम उन्हें सांत्वना देती रही। अब उम्मीद करते हैं
कि आगे भारत की महिला टीम जो गलतियां इस विश्व कप के सेमीफाइनल में हुई हैं उनसे, जो लचर फील्डिंग, लोअर ऑर्डर की बैटिंग और जो महत्वपूर्ण मुकाबले हैं वहां पर टॉप ऑर्डर की बैटिंग, ये जो सारे कंसर्न्स हैं उस पर जरूर वर्कआउट करेगी और आगे भारतीय टीम जो है, भारत की महिला टीम जो है, वो भारतीय खेल प्रशंसकों के लिए कई खुशखबरी लेकर आएगी और कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगी, जिससे भारत के खेल प्रेमी को प्रसन्न होने का अवसर मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।